मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बेरोजगारी भत्ते की तीसरी किस्त जारी करने के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि डीएससीओदे के उप मुख्यमंत्री बनने से भाजपा में हताशा है। बीजेपी दूसरे के भरोसे सत्ता में आना चाहती है। बीजेपी को लग रहा है कि जोगी फैक्टर जैसा फिर होगा। सीएम श्री बघेल ने कहा, हर बार बिल्ली के भाग से छीका नहीं टूटता। वही पीएम आवास और बेरोजगारी भत्ते की राशि को पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह द्वारा झूठ का पुलिंदा बताए जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि रमन सिंह के दिमाग में केमिकल लोचा है। जिसमें राशि वितरण करना है किया गया है, जिसमें बेरोजगारी भत्ता का और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण दोनों में राशि वितरण किया गया। इस अवसर में उपस्थित युवा और खेल विभाग के मंत्री भाई उमेश पटेल जी, बहुत ही वरिष्ठ विधायक पूर्व मंत्री आदरणीय राम पुकार सिंह जी, आदरणीय एसीएस सुब्रत जी, आदरणीय शुक्ला जी, सभी अधिकारीगण, और मैंने देखा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भाई अरुण वोरा जी, अनूप नाग जी, शकुंतला साहू जी, वरिष्ठ विधायक आदरणीय खेल साय सिंह जी, आदि बाबा और बहुत सारे हमारे साथी चंदन कश्यप जी, सब लोग इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हैं। मैं सबका स्वागत करता हूं और यहां जितने भी हमारे प्रधानमंत्री आवास के हितग्राही और बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने वाले युवा साथियों का मुख्यमंत्री निवास में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय साथियों, बेरोजगारी भत्ता योजना के अंतर्गत 1,16,737 शिक्षित बेरोजगारों को 31,69,60,000 रुपये के राशि का अंतरण किया गया और कुल मिला के 3 महीने में 80,64,25,000 रुपया अभी तक दिया जा चुका है। 3 महीने भी 80 करोड़ पार कर गए, जबकि आपको स्मरण होगा कि पिछले सरकार में, बीजेपी की सरकार में 2017 तक 13-14 साल में ये केवल 98 करोड़, 4 से शुरू हुआ, 6 से शुरू हुआ, हाँ जी, 13-14 साल में ये केवल 98 करोड़ बांटे थे। मतलब अगले महीने जब हम लोग देंगे तो उनसे वर्षों में जो बांटे उसे हम क्रॉस कर जाएंगे 4 महीने में। दूसरी बड़ी बात ये है कि प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं थी। हम लोग जब कोई कार्यक्रम बनाते हैं तो मैंने पिछले समय भी कहा था कि मुझे खुशी नहीं है कि मैं बेरोजगारी भत्ता बांट रहा हूँ, मुझे खुशी तब होगी जब लोगों के हाथ में रोजगार होगा। और आज 1 महीने के भीतर में लगभग 4,000 लोगों को रोजगार दिया गया, कौशल प्रशिक्षण दिया गया। मैं अभी केशकाल विधानसभा गया था तो वहाँ 500 युवा युवतियों को हम लोगों ने रोजगार प्रदान किए। आज भी हुआ, वर्चुअली जुड़े सभी कलेक्टर इसको प्रदान किए, तो ये आंकड़े और बढ़ेंगे। जैसे कि शुक्ला साहब ने जो बात बताई आपको कि अभी सरकारी भर्तियां भी चल रही है, सारे लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उसके कारण से प्रशिक्षण में नहीं आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से शासकीय नौकरी पहली प्राथमिकता, उसके बाद दूसरी। तो इसलिए तमाम हमारी युवा साथी उसकी तैयारी कर रहे हैं और मुझे प्रसन्नता है कि जितने भी खाली पद थे, यही की बात है कि जैसे हमको अनुमति मिलेगी, एक लड़का खैरागढ़ का था, उन्होंने कहा कि ये परीक्षाएं कब शुरू करेंगे, वैकेंसी कब निकालेंगे, और उसी दिन की बात है और दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और उसके बाद विज्ञापन के अंबार लग गए, भर्तियां शुरू हो गई, परीक्षा का आयोजन हो रहा है। तो
अवसर हम लोग युवाओं को ज्यादा से ज्यादा देना चाहते हैं और इसीलिए एक तरफ शासकीय भर्तियां खोले हैं तो दूसरे तरफ बेरोजगारी भत्ता और तीसरे तरफ प्रशिक्षण, ताकि जिंदगी भर लोग बेरोजगार न रहें।